एमटीपी बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एग्जाम में पूछा जाता है एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी में प्रेगनेंसी को गर्भ कहा जाता है। मेडिकल मिस होता है चिकित्सीय, टर्मिनेशन मतलब होता है समापन अर्थात समाप्त करना, अर्थात गर्भ को समाप्त करना एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भ का चिकित्सीय समापन कहलाता है। तो गर्भ जो है 9 महीने की गर्भावस्था होती है। यदि गर्भावस्था से पहले गर्भ का समापन कर दिया जाए उसे ही क्या बोला जाएगा एमटीपी। इसीलिए एमटीपी का परिभाषा दीजिएगा, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को एमटीपी कहते हैं। हो गया याद, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को एमटीपी कहते हैं। एमटीपी का सुरक्षित काल पूछा जाएगा तो गर्भावस्था का प्रथम 3 माह ये सुरक्षित काल है। प्रथम 3 माह एमटीपी कराने का जो सुरक्षित समय है वह कौन सा समय है? प्रथम 3 माह अर्थात कह सकते हैं 12 है ना सप्ताह। 12 सप्ताह तक के गर्भ को एमटीपी द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यह सुरक्षित काल होता है। इसके बाद का समय जो है वह घातक काल कहलाता है। घातक इसलिए कि है ना गर्भ का तो समापन होगा ही, साथ ही जो माताएं हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा है ना, और बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। एमटीपी में उतना ही परेशानी होती है जितना कि एक बच्चे को जन्म देने पे होती है। समझना, जन्म देना या एमटीपी करवाना दोनों समझिए समान, जो शरीर को इफेक्ट पड़ता है समान इफेक्ट पड़ता है। एमटीपी क्यों किया जाता है? यदि गर्भ में पल्ड है शिशु को, कोई अनुवांशिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में एमटीपी की सलाह डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा यदि अनचाहे गर्भ है तो ऐसी स्थिति में भी, यदि किसी दंपति को 2 से अधिक चाइल्ड हो चुका है और वो चाहते कि नहीं हो तो भी एमटीपी कर सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसलिए एमटीपी, हाँ यदि लिंग जांच करके यदि किया जाए, गर्भ में यदि कहीं मादा है यदि उसका हत्या हो रही है तो इस पर कानूनी प्रतिबंध है। नर है और उसका एमटीपी हो गया इसके लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। लड़का को मारा जा सकता है गर्भ में, कोई केस नहीं होगा, लेकिन लड़कियों को नहीं। कारण इसका भी आप डेटा देख, 1000 पुरुषों में 972 स्त्री की संख्या थी। 1000 पुरुष में 972, यह 1901 की डाटा है। फिर 10 वर्ष के बाद, जनगणना 10 वर्ष होती है, 1911 जब डाटा सामने आई तो 964 लड़कियों की संख्या रही 1000 पुरुष पर। पहले 972 था 1901 में और 1911 में 72 से घट करके 964 पे आ गया। अर्थात मादा की जनसंख्या क्या हो रही है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है। एक्चुअली में अनुपात समान होना चाहिए, जितना मेल उतना फीमेल होना चाहिए है ना, थोड़ा बहुत रेशियो लगभग में समान होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा अंतर देख रहे हैं। 1921 की जनगणना का आंकड़ा है 955 हो गया घट करके। फिर जाकर 1931 को जो जनगणना आ गई उसमें 945, 1941 में 945 हो गया, 1951 में 946, 1000 पुरुषों पे 946 स्त्री, 1961 में 930 हो गई, 1971 में 935, 1981 में 929, 2001 में 933, अर्थात 1000 पुरुष पर 933 स्त्री की संख्या रही। और जब 2011 की जनगणना हुई तो 940। अभी वर्तमान में जनगणना हुई है, इसका आंकड़ा देखिए क्या है, सबसे कम महिलाओं वाला राज्य पंजाब। कारण है अपना लोग में, बिहार में है क्या, 5 भाई है तो 5 अलग अलग शादी करेंगे। पंजाब में 100 प्रथाएं तो था नहीं, 5 भाई है कोई एक ही भाई शादी करेंगे, वह 5ों की पत्नी कहलाएगी। हाँ द्रौपदी को वहां पूजा की जाती है, वहां के लोगों को सोच है कुछ भी हो जाए संपत्ति बंटवारा नहीं। पंजाब वाले लोग, जमींदार अभी भी क्यों है पंजाब के लोग, नहीं जमीन नहीं बांट सकते। आप 5 भाई है कोई शादी एक ही करेगा,
है ना। अब फिर मान लीजिए आपका पांच सात बेटा हो ही जाएगा, फिर कोई शादी एक ही करेगा, जमीन बांटे क्या करेगा? जब अलग अलग शादी होगा तब ना बंटवारे की जरूरत पड़ेगी, बंटवारा होती ही नहीं संपत्ति का। एमटीपी समझ में आया? एमटीपी है क्या? गर्भावस्था पूर्ण नहीं हो और गर्भावस्था से पहले ही गर्भ को समाप्त कर दिया जाए तो उस प्रक्रिया का नाम है एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का सुरक्षित काल प्रथम तीन माह, प्रथम लगभग 12 सप्ताह कह सकते हैं, कितना सप्ताह? प्रथम 12 सप्ताह जो है ये एमटीपी का सुरक्षित काल होता है। उसके तो घातक काल हो गया 6 महीना पूर्ण होने के बाद। कब? 6 महीना पूरा होने पर, 6 महीने पूर्ण होने पर, जब 6 माह का गर्भ हो चुका है तो उसका एमटीपी क्या जाती है? ज्यादा घातक काल हो सकता है, इसलिए 6 महीने गर्भ को डॉक्टर भी जल्द नहीं करेंगे, एमटीपी नहीं कर सकते। यदि करेंगे भी तो आपसे टोटल रिस्पांस आपकी होगी, पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपसे वह टोटल बॉन्ड बनवा लेगा तब जा करेगा। कि मृत्यु होने पर कोई गारंटी नहीं, अब हम पे दबाव नहीं बना सकते। वैसे भी जितने सारे ऑपरेशन होता है बिना किसी घर के पेरेंट्स के, घर के किसी सदस्य के बिना ऑपरेशन कर सकता है डॉक्टर? नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि आप मृत्यु हो जाता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, जानबूझकर मार दिया गया। इसलिए पहले ही घर के मेंबर से सिग्नेचर करवा दिया जाता है तभी ऑपरेशन चालू कर सकता है। कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो जाए, घर का मेंबर या कोई भी आदमी जब तक उसका रिस्क नहीं ले सकता तब तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए 6 महीना के बाद का जो काल आएगा वह घातक काल होगा, है ना। तो ये दोनों परीक्षा में पूछा जाता है, एमटीपी का सुरक्षित काल कौन सा है, एमटीपी का घातक काल कौन सा है। टीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में गर्भ का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ के समापन को एमटीपी कहते हैं। एमटीपी का सुरक्षित काल प्रथम 3 माह अर्थात 12 सप्ताह, एमटीपी का घातक काल 6 महीना पूर्ण होने के बाद। यदि किसी भी गर्भ में अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, अनुवांशिक बीमारी ऐसी बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं होगा, इसके साथ ही यदि वह पैदा ले लिया और उसके द्वारा जो संतान पैदा होगा सबको वह बीमारी होता चला जाएगा, इसलिए इस बीमारी का ना इलाज होगा, साथ ही आने वाले पीढ़ी जितना होगा सबको ये रोग होता रहेगा। ऐसी बीमारी को अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। यदि किसी गर्भ में अनुवांशिक बीमारी का लक्षण है तब गर्भ के पेरेंट्स के इच्छा अनुसार 4-5 महीने के अंदर, कितने दिन के अंदर गर्भपात किया जा सकता है, यह आजकल कानूनन मान्य है। यदि आप लिंग जांच करवा रहे हैं, लिंग के जांच करवाने का आपको पता है कहीं गर्भ में माता है, तब यदि आप चाहे एमटीपी कराने तो नहीं कर सकते हैं, तब कानून के खिलाफ है। तो क्यों मादा भ्रूण हत्या कानूनी प्रतिबंध सरकार लगाए? यदि ऐसा हुआ तो लड़कियों की जनसंख्या और भी कम हो जाएगी। टेशन एमी नोडिया स्तर पर अनावर्त, ये भी जन्म नियंत्रण का एक उपाय है, प्राकृतिक उपाय। जन्म नियंत्रण का कौन सा उपाय है? लैक्टेशन एमिनोरिया, ये भी जनसंख्या नियंत्रण का एक उपायों में से एक है। जन्म नियंत्रण मतलब जनसंख्या नियंत्रण, तक बच्चे मां का दूध पीते रहते हैं, है ना, तब तक वह स्त्री दोबारा प्रेग्नेंट नहीं रह सकती है। होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब बच्चे दूध पीना कम करते तो ऐसा देखे होंगे कि कम से कम 2 बच्चों के बीच जो है अंतराल जो होता है 1 साल से कम का नहीं रहता है। 2 बच्चों के बीच का कम से कम 1 साल का छोटा बड़ा, कभी देखें कि 10 महीना का छोटा बड़ा है या 11 महीना का छोटा बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। गर्भावस्था तो 29 महीना का है, तो ये 3 महीना हिस्सा कहां से आ गया? 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का छोटा बड़ा होता है। कोई कोई फीमेल में ऐसा होता है कि नेचुरली रूप से 3 साल का भी छोटा बड़ा होता है और वह बच्चे 3 साल तक दूध पी रहे होते हैं। जब तक स्तनपान होगा मतलब दूध पिलाएंगे मां अपने बच्चों को,
तब तक जो है इससे बचने का उपाय हो सकता है, 100% नहीं लेकिन है। तीन चार तीन महीना तक तो, क्योंकि तीन चार महीना तक बच्चे तो कुछ दूध के अलावा कुछ नहीं लेते हैं। यदि कोई स्त्री है ना प्रसव होने के बाद बच्चे उत्पन्न करने वाले उसको दूध अपना दूध नहीं पिलाती है, खरीद कर पिलाते हैं या डब्बा वाला पिलाते हैं, उस स्त्री में जो ओवम निर्माण है वह जल्द स्टार्ट हो जाएगा, एक डेढ़ महीना के बाद स्टार्टिंग हो जाएगा। सिर्फ यूटेरस का क्षतिपूर्ति हो गया, गर्भाशय का फिर से सारा चीज स्टार्टिंग हो जाएगा। तो ये जो लैक्टेशन है अर्थात दुग्धपान जो है, बच्चे जो दूध पीते हैं तो ओवम निर्माण रुके हुए रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उतना नहीं रहता है, बढ़ा हुआ ओवम नहीं बन पाता है, समझ में आया, कम से कम दो तीन महीने, तीन महीने के लिए। इसीलिए दो चाइल्ड कम से कम एक साल का छोटा बड़ा हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो काहे एक साल का छोटा बड़ा होता है? लैक्टेशन के कारण दुग्धपान का। यदि लैक्टेशन नहीं कराएंगे तो, और जो स्त्रियां अपने बच्चों केवल अपना ही दूध पिलाती है तो उसमें संतानों में जो गैपिंग है एक साल से कम का नहीं रह सकता। जनरली आप ये देखे होंगे, किसी किसी में डेढ़ साल भी होता है, दो साल भी होता है। तो कम से कम ऐसा 6 महीना तक तो दिया गया है कि स्तनपान जरूरी है, बच्चों को 6 महीना तक माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, है ना। बच्चों जब जन्म लेते हैं उसको 6 माह तक केवल माँ का दूध ही चाहिए, उससे माँ का भी स्वास्थ्य सही रहेगा, दो संतान के बीच भी गैपिंग होगा और वह जो संतान है वो भी स्वस्थ रहेगा। माँ के दूध में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है, निपोषक है ना, साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में रोग से लड़ने की क्षमता भी होती है, रोग प्रतिरोधक भी होते हैं। माँ का दूध बच्चों के लिए वरदान कहा गया है। लैक्टेशन एमिनोरिया का अर्थ क्या हो गया? गर्भ निरोधन की एक समान विधि है। इस विधि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रसव के बाद, किसके बाद? प्रसव के बाद स्त्री शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान, जब अपना पूरा स्तनपान कराती है, मतलब जितना दूध बनता है वह सब दूध बच्चों को पिलाते हैं, भरपूर स्तनपान कराते हैं, उसके दौरान ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग और मेंस्ट्रुएशन या मेंस भी कर सकते हैं नहीं होता है। लैक्टेशन होने पर क्या नहीं होगा? ना तो ओव्यूलेशन होगा और ना ही मेंस्ट्रुएशन होगा, ना तो ओवम बनेगा और ना ही मेंस अर्थात पीरियड्स आएगा। अतः जितने दिनों तक शिशु स्तनपान करता है अतः दूध पीता है तब तक स्त्री को गर्भधारण नहीं होता, तब तक स्त्री गर्भधारण नहीं होती, किंतु यह अवधि अधिकतम 4 से 6 माह, अधिकतम कितना? 4 से 6 महीनों की होती है। दूधपान कराने वाली महिलाओं में 4 से 6 महीने तक नए गर्भ से बच सकती है। 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक बच्चे दूध पीना भी कम करते हैं, साथ ही दूध बनना भी कम हो जाते हैं, बच्चे कुछ अलग आहार जो है कुछ पोषक आहार खाना शुरू करते, थोड़ा बहुत अनाज सब भी खाना शुरू कर देते 6 महीना के बाद हो जाता है। तो 6 महीना पूर्ण होने के बाद डॉक्टर भी उसका एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लिखते हैं, मां के दूध के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी देते हैं। दूध कितने दिन तक, कितने दिनों के बाद नहीं पीना चाहिए? पार्ट्स एमटीपी और लैक्टेशन एमिनोरिया, ये दोनों पार्ट्स आपका वो अस्थाई जनसंख्या नियंत्रण के उपाय है। इससे पहले जो पता है वो भी आपको अस्थाई जनसंख्या नियंत्रण का ही उपाय था। एमटीपी कुछ स्पेशल है, ज्यादा रूप से पूछा जाता है। लैक्टेशन एमिनोरिया एमटीपी दोनों क्लियर? लैक्टेशन एमिनोरिया में क्या होगा? माँ को अपने संतानों को लगातार दूध पिलाना होगा, पिलाने से क्या होगा? लगभग 6 महीना तक, 4 से 6 महीना यदि भरपूर स्तनपान कराती है तो दोबारा प्रेग्नेंट की संभावना नहीं रहती है। कितने दिनों तक? लगभग 6 महीनों तक, 4 से 6 महीनों तक, उसके बाद ही हो सकती है। इसीलिए दो चाइल्ड यदि छोटा बड़ा होगा तो देखे होंगे 1 साल 2 महीना, 1 साल 3 महीना, 1 साल 4 महीना, 1.5 साल 2 साल का छोटा बड़ा रहता है, ठीक है। एक्चुअली में एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का जांच है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का जिससे लिंग का पता चलता है। इसका पता चलता है गर्भ में मेल है या फीमेल है, इसका पता किस जांच से चलता है? तो क्या बोलिएगा? एमनियोसेंटेसिस से। किस जांच से चलता है? एमनियोसेंटेसिस से। एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की
जांच है जिसके द्वारा स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग या अनुवांशिक संरचनाओं का निर्धारण किया जाता है। इस जांच से क्या क्या पता चल जाता है? एक में स्वास्थ्य, गर्भ में पल रहे शिशु स्वस्थ है या नहीं है इसका पता चलता है। दूसरा, लिंग का भी पता चल जाता है, मेल है या फीमेल है। तीसरा, कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। अनुवांशिक बीमारी का भी पता करना हो तो एमनियोसेंटेसिस जांच होती है। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का जांच है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु का या भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग और अनुवांशिक बीमारी का पता चलता है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की जांच है जिसके द्वारा स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग और अनुवांशिक बीमारी का पता चलता है। तो स्वास्थ्य, लिंग और अनुवांशिक बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सी जांच है? एमनियोसेंटेसिस है। समस्त संसार में प्रत्येक वर्ष लगभग 45 से 50 मिलियन, लगभग कितना, 45 से 50 मिलियन, अब इसको करोड़ में चेंज कर लें, 4.5 करोड़ से लेकर के लगभग 5 करोड़ तक, 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी किया जाता है। एमटीपी जो कुल गर्भ का 1/5 भाग है, जो कुल गर्भ का कितना भाग है? 1/5। मादा भ्रूण हत्या गैर कानूनी है। मादा भ्रूण हत्या, इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में, कब 1971 में, कानूनी स्वीकृति भी दिए हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कब कानून बनाए? मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून कब बनाई गई? 1971 में। स्थायी विधि को इंग्लिश में परमानेंट या सर्जिकल समझते हैं ना, ऑपरेशन विधि के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण अर्थात जन्म दर को, जन्म नियंत्रण को कंट्रोल किया जा सकता है अस्थायी रूप से, है ना? किस रूप से? उसको कहते हैं बंध्याकरण या नसबंदी। क्या बोलते हैं? और यह बंध्याकरण या नसबंदी मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। मेल के लिए हो गया तो नर नसबंदी, है ना, अब फीमेल के लिए हुआ तो स्त्री नसबंदी, है ना। नर नसबंदी जो है, जो टेस्टिस से नस निकलता है उसको कहते हैं वास। कौन सा नस निकलता है? वास नामक नस को क्या करता है? काट करके बांध दिया जाता है। किसको काट कर बांध दिया जाता है? वास नामक नस जो है उसको काट करके धागे से बांध दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा वह यहीं तक रहेगा, उसके बाद नहीं निकल सकता है, बांधा हुआ है तो, है ना। नर नसबंदी को क्या, किस नस को काटेंगे? वास, वास डिफरेंस को किसको काटेंगे? इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं वास एक्टोमी। क्या बोलते हैं? वास एक्टोमी कह देंगे। नर नसबंदी को इंग्लिश में वास एक्टोमी, वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। जबकि स्त्री नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। तो ट्यूब को काट कर बांध दिया, ट्यूब में एक्टोमी लगा दिया, तो क्या हो गया? ट्यूब एक्टोमी। क्या हो गया? स्त्री के जो नसबंदी होता है, स्त्री नसबंदी, उसमें फैलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से बांध दिया जाता है, वह ट्यूब एक्टोमी कहलाता है। अब मेल में किस नस को काट कर बांधा जाएगा? वास डिफरेंस को। किसको काट कर बांधा जाता है? इसीलिए क्या कहेंगे? वास एक्टोमी, है ना, वास एक्टोमी। कोई दिक्कत इसमें? तो परमानेंट विधि में, ये इसको सर्जिकल विधि भी कह सकते हैं, इसमें मेल यदि है उसका वास डिफरेंस काट कर बांध दिया जाएगा, फीमेल यदि है तो फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। अस्थायी विधि में क्या जाते हैं? नसबंदी आते हैं। क्या आते हैं? जिसे हम नर बंध्याकरण भी कहते हैं, मादा बंध्याकरण कहते हैं। मादा बंध्याकरण जो है तीन तरीका से होता है, फीमेल में तीन तरीका से, मेल के लिए एक ही तरीका है वासेक्टोमी। मेल के लिए कौन तरीका? एक ही तरीका है, वासेक्टोमी है वह। इसको सर्जिकल विधि भी कहते हैं। कौन से विधि कहते हैं? सर्जिकल विधि। अस्थाई विधि को
सर्जिकल विधि या ऑपरेशन मेथड भी कह सकते हैं। इस विधि में शल्य क्रिया द्वारा अर्थात ऑपरेशन के माध्यम से, अस्थाई विधि या सर्जिकल विधि में शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन के माध्यम से गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाता है। गैमेट का फ्यूजन नर और मादा युग्म के गमन को ही रोक दिया जाता है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाता है। और ये विधियां सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। ये विधियां क्या है? सर्वाधिक प्रभावशाली होती है किंतु अपेक्षाकृत कम प्रयोग की जाती है ना। लेकिन अब शिक्षित समाज में है, आमतौर पर इसका उपयोग ज्यादा होने लगा है। तो मेल के लिए यदि है तो इसके लिए पहला मेल के लिए है उसको कहते हैं नर बंध्याकरण। क्या कहेंगे? नर बंध्याकरण भी कहते हैं या नर नसबंदी भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों इसको नर नसबंदी, नर नसबंदी भी कहते हैं, है ना। इसको नर नसबंदी में क्या होगा, जो टेस्टी से जो नस निकलता है उसको कहते हैं वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया, इसीलिए इसको कहते हैं वासेक्टोमी। इसको क्या कहता है? वासेक्टोमी भी कहा जाता है। तो परीक्षा में वासेक्टोमी पूछा जाता है। वासेक्टोमी से आप क्या समझते हैं? यही है, डाइटे पूछ देगा वासेक्टोमी क्या है। वासेक्टोमी एवं ट्यूबेक्टोमी से आप क्या समझते, दोनों टॉपिक भी आई है। तो वासेक्टोमी को आप नर नसबंदी या नर बंध्याकरण कह सकते हैं। और इसमें किसको काटकर बांधा जाएगा? वास डिफरेंस को। किसको काटकर बांधा जाएगा? वास डिफरेंस को काट करके धागे से बांध दिया जाता है। किससे बांध देता है? तो मेल के अर्थात नर के वास डिफरेंस को काट करके धागे से क्या क्या जाता है, बांध दिया जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम है नर नसबंदी या वासेक्टोमी या नर बंध्याकरण। तो वासेक्टोमी का परिभाषा क्या दीजिएगा? जब मेल के वास डिफरेंस को काट कर धागे से बांध दिया जाता है तब तो उसे वासेक्टोमी कहते हैं या नर नसबंदी या नर बंध्याकरण कहते हैं। इसी तरह यदि यह फीमेल में जो होता है, फीमेल में यदि फलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया गया उसको कहेंगे ट्यूब एक्टोमी। उसको क्या कहते हैं? तो फीमेल में हो गया मादा बंध्याकरण। तीन तरीका से होता है। कितने तरीका से किया जाता है? पहला हो गया अंडाशय उच्छेदन, इंग्लिश में ओवरेक्टोमी कहेंगे। दूसरा हो गया नलिका उच्छेदन, इंग्लिश में ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। तीसरा हो गया नलिका रोधन, इंग्लिश में ट्यूबल लाइगेशन कहेंगे। ये जो अंडाशय उच्छेदन है मतलब ओवरी एक्टोमी, एक्टोमी का अर्थ होता है काट कर हटा देना, उच्छेदन का अर्थ होता है काट देना, है ना। तो जब ओवरी को ही काट कर हटा दिया जाता है उसको ओवरी एक्टोमी कहा जाता है। इसको आम भाषा में बड़ी ऑपरेशन भी कहते हैं। बड़ा ऑपरेशन जब होता है ना, तो उसमें ओवरी को ही काट करके हटा दिया जाता है। दूसरा है नलिका उच्छेदन, मतलब नली को काट देना। तो कौन सी नली कटेगा? फलोपियन ट्यूब। इसी को हम स्त्री नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री नसबंदी भी कहते हैं, मतलब नस को काट करके बांध दिया। तो फीमेल में फलोपियन ट्यूब को काट करके यदि बांध दिया जाता है, धागे से बांध दिया जाता है, उसको ट्यूब एक्टोमी या नलिका उच्छेदन या स्त्री नसबंदी कहेंगे। तीसरा जो नलिका रोधन, इसमें एक विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, यंत्र लैपेरोस्कोप। कौन सा यंत्र है? लैपेरोस्कोप यंत्र है। ये एक प्रकार का जो है टेलीस्कोपिक यंत्र है। कौन सा यंत्र है? मतलब बाहर से ही अंदर का एरिया का पता चल जाता है। इसके द्वारा जो फलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया, काटा नहीं जाता है, फलोपियन ट्यूब को दबा दिया जाता है। जो नली है, नली को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा? लेप्रोस्कोप के द्वारा। कौन सा यंत्र है? लेप्रोस्कोप के द्वारा फलोपियन ट्यूब को ही चिपका दिया जाता है। जो नली है, नली दब जाता पूरे, है ना। ओव्यूलेशन तो होगा लेकिन यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा। दोनों इसमें भी ओव्यूलेशन होगा, इसमें ओव्यूलेशन बन, चूंकि ओवरियो को काट कर हटा दिया तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। स्त्री के लिए तीन प्रकार की है ना सर्जिकल मेथड है। तीन विधि के द्वारा मादा का बंध्याकरण हो सकता है। एक ओवरी को काट कर हटा देना, दूसरा फलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना, और तीसरा फलोपियन ट्यूब को दबा देना। किस यंत्र से दबाया जाता है? लेप्रोस्कोप से।
परीक्षा में नर बंध्याकरण, नर नसबंदी या वासेक्टोमी इंपोर्टेंट है पूछा जाएगा। इसके अलावा ये ट्यूबेक्टोमी जिसे स्त्री नसबंदी भी कहते हैं ये इंपोर्टेंट है। तो जब नर बंध्याकरण पूछेगा, नर नसबंदी या वासेक्टोमी कहेगा, तो कहिएगा जब मेल के वास डिफरेंस को काटकर धागे से बांध दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को वासेक्टोमी कहते हैं। और ट्यूब एक्टोमी जब पूछेगा, कहिएगा जब फीमेल के फलोपियन ट्यूब को काटकर धागे से बांध दिया जाता है उसे ट्यूब एक्टोमी कहते हैं। दोनों